हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घटता बढ़ता पर आधारित प्रश्न। आपने अक्सर देखा होगा, पूछा जाता है कि ताप बढ़ने पर क्या होगा, दाब बढ़ने पर क्या होगा। तो उन सभी चीज़ों से मिलाकर के जो प्रश्न बन सकते थे, जो ध्यान में रखा गया, वो मैंने यहाँ पर रखा। ठीक है, आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको हमेशा ये देखने को मिलता रहता है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। ठीक है, आप इसको समझिएगा कि जब हम दो बर्फ के टुकड़े को आपस में जोर से दबाते हैं तो वहाँ पर जो गलनांक होता है कम होता है। आपने ये भी देखा होगा, स्केटिंग जब किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि बर्फ के स्केटिंग किया जाता है लेकिन वो गलता नहीं है, बहुत कम हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि दाब बढ़ता है तो बर्फ का जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है, घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या असर पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर भी वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है या फिर घट जाता है, याद रखेंगे कम होता है। ठीक है, कम होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना। जैसे कि इसके कारण पहाड़ों पर जो खाना है वो जल्दी बन जाता है, एरोप्लेन में कोई यात्री अगर सफ़र कर रहा है तो उनका जो निब होता है, इंक जो कह सकते हैं, वो भी निक रिसाव होता है। इसी कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति अगर झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल भी घटता है, आवर्तकाल भी घटता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव आपका बढ़ता है, पृष्ठ तनाव आपका बढ़ता है। यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है कि पृष्ठ तनाव का SI यूनिट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ तनाव का SI यूनिट न्यूटन प्रति मीटर, आप ये याद रखेंगे, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, SI यूनिट न्यूटन प्रति मीटर। अब ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है। द्रव की श्यानता, श्यानता का मतलब भी घर्षण ही होता है, ये आपका लिक्विड और गैसेज में जो कि एक दूसरे परत में लगता है। तो ये भी याद रखिएगा कि श्यानता क्या होगा, कि द्रव की जो श्यानता होगी, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम होती है, यानी कि घटती है, कम होती है, और जबकि गैसों की श्यानता जो होगी वो बढ़ती है, गैसों की श्यानता बढ़ती है। ये दो पॉइंट्स अच्छे से याद रहना है। उसके बाद आता है कि ताप की वृद्धि के साथ ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति भी आपका बढ़ता है, ध्वनि की गति भी बढ़ता है। ताप को घटाएंगे तो ध्वनि की गति भी कम होगा, ये चीज़ याद रखेंगे। लेकिन प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम ताप को बढ़ाएं या फिर ताप को घटाएं, चाल, प्रकाश की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि कह सकते हैं कि ताप के वृद्धि या फिर कमी से प्रकाश की गति पर, प्रकाश की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एकदम, VVI, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं कि दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होगा। तो दूध का घनत्व आपका बढ़ जाता है, बढ़ता है। ठीक है, दूध का घनत्व बढ़ता है, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ताप बढ़ाने से द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो द्रव का पृष्ठ तनाव, या फिर हम यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस दोनों में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, श्यानता भी आपका कम होता है और पृष्ठ तनाव भी घटता ही है, पृष्ठ तनाव घटता है, इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए, इस यहाँ तक में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आपको याद रखना है। ये दोनों एक ही तरह से आपको देखना है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता भी कम होता है और ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव भी आपका कमी होता है द्रव का। उसी तरह से हम यहाँ पे बढ़ते हैं कि दाब बढ़ाने से द्रव की जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है यहाँ पर। उसी तरह से पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक आपका बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन हिमांक क्या होगा, हिमांक कम होता है, ये चीज़ याद रखना है। क्वथनांक बढ़ता है लेकिन हिमांक आपका कम होगा, ये याद रखेंगे। उसके बाद आता है कि ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा, तो अपवर्तनांक हमारा कम होगा, अपवर्तनांक कम हो जाता है, अपवर्तनांक कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दाब बढ़ाने से किसी वस्तु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयतन हमारा घटेगा, आयतन घटेगा, ठीक है, आयतन घटेगा, जबकि घनत्व आपका बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब बढ़ाने से किसी वस्तु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन आपका घटेगा, घनत्व आपका बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता क्या होती है। तो विद्युत चालकता आपका बढ़ता है, विद्युत चालकता बढ़ता है, विद्युत चालकता बढ़ता है।
ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं सब चीज़ों को, ताकि एक बार आपका माइंड में फिर से ये अच्छे से बैठ जाए। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, ऊंचाई बढ़ाने से वायुमंडलीय दाब क्या होती है, कम हो जाती है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति अगर झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल घट जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, पृष्ठ तनाव आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ताप बढ़ाने से द्रव की संयंत्रता क्या होगी, कम होगी, और उसी तरह से ताप बढ़ाने पर द्रव की पृष्ठ तनाव भी क्या होगा, कम ही होगा। ताप बढ़ाने पर गैसों की जो संयंत्रता क्या होती है, बढ़ती है। ताप में वृद्धि, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये ताप बढ़ाने पर वृद्धि के ध्वनि की वृद्धि से ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो ध्वनि की गति घटेगा। लेकिन प्रकाश के चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है प्रकाश की गति पर। दूध से क्रीम को अलग कर देने पर दूध का घनत्व क्या होगा, तो घनत्व आपका बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है, नमक मिलाने पर पानी में क्या होगा, क्वथनांक तो बढ़ता है लेकिन आपका हिमांक कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या होगा, अपवर्तनांक का मान कम हो जाएगा। और दाब बढ़ाने से किसी वस्तु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन आपका घटता है, घनत्व आपका बढ़ता है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपका ये कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और आपके माइंड में कोई टॉपिक रहता है तो टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।